यूरोप महाद्वीप में 40 से भी ज़्यादा देश है, लेकिन इसमें से कई देशों का इतिहास हजारों साल पुराना है। जर्मनी, इटली, फ्रांस, आयरलैंड, इन देशों की संस्कृति और आधुनिक जीवन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी मोनाको देश का नाम सुना है, जिसे आधिकारिक रूप से प्रिंसिपलिटी ऑफ मोनाको ऐसा भी कहा जाता है। पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश, देश के तीनों तरफ फ्रांस की सीमाएं और चौथी तरफ भूमध्य सागर का समुद्री तट है। हालांकि मोनाको एक छोटा सा देश है, लेकिन इसे माइक्रो स्टेट ऐसा भी कहा जाता है। दुनिया के अमीर लोगों का एक फेवरेट डेस्टिनेशन। देश का पूरा एरिया सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर का है और पॉपुलेशन 39,000। हमारे देश के पास एक बड़ी आर्मी पावर है, लेकिन मोनाको के पास किसी भी प्रकार की सेना नहीं है। देश अपनी रक्षा कैसे करता है, यही सबसे बड़ा सवाल है। इतिहास में पहले और दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान क्या किसी देश ने मोनाको पर हमला किया था? 11 नवंबर 1942 को इटालियन सेना ने देश पर हमला करके देश को अपने कब्जे में लिया था, लेकिन 1943 को जर्मनी का कब्जा बन गया। एक करार की वजह से मोनाको फ्रांस को सौंप दिया, लेकिन मेंटोन और रॉकब्रून में फैली अशांति की वजह से और उस समय के फ्रांसी राजकुमार ने 4 मिलियन फ्रैंक के बदले में देश के 2 बड़े शहरों का दावा छोड़ दिया, जो कि 95% मोनाको रियासत का हिस्सा था। और यहाँ से आगे देश की आज़ादी की कहानी शुरू होती है। देश के झंडे में सिर्फ 2 कलर दिखाई देंगे, लाल और सफ़ेद। मोनाको का झंडा इंडोनेशिया के झंडे से काफ़ी मिलता जुलता है। दोनों देशों के झंडे में रंग एक जैसे, लेकिन इंडोनेशिया का झंडा आकार में थोड़ा लंबा है। आप इस फोटोज में देख सकते हो पोलैंड, इंडोनेशिया और मोनाको तीनों देशों के झंडे में रंग एक जैसे, लेकिन आकार अलग है। अगर आप इस देश के नागरिक होते तो कसिनो, मतलब जो व्यावसायिक जुआ होता है, उसको खेलने के लिए आपको अनुमति नहीं मिलती, क्योंकि देश का कानून देश के नागरिकों को जुआ खेलने से मना करता है। मोनाको राजशाही पहले से ही जानती है जुआ खेलने के क्या परिणाम होते हैं। हालांकि देश दुनिया का सबसे बड़ा अमीर लोगों का कसिनो, मतलब गेम्बलिंग का डेस्टिनेशन है। यूरोप में सबसे ज़्यादा अमीर लोग कौन से देश में रहते हैं, इस मामले में भी इसी देश का नाम आगे आता है। भले ही मोनाको छोटा सा देश हो, लेकिन यहाँ पर 12,000 से भी ज़्यादा मिलीनियर, मतलब अमीर लोग दिखाई देंगे। हर 3 में से 1 इंसान करोड़पति है। जब तक यहाँ के लोग फ्रांसीसी नागरिक नहीं होते, तब तक करोड़पति लोगों को इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि देश फ्रांस के हिस्से में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि पहले से आज़ाद हो गया। 0 इनकम टैक्स, 0 कैपिटल गेन टैक्स, 0 वेल्थ टैक्स और 0 इनहेरिटेंस टैक्स। तो आप समझ गए होंगे यहाँ के लोग अमीर कैसे बनते हैं। मोनाको में कई सारी हॉलीवुड फिल्में फिल्माई गई। जेम्स बॉन्ड के कई सारी फिल्मों के सीन इसी देश में लिए थे। इस माइक्रो स्टेट से जुड़ी ग्लैमर और दौलत हॉलीवुड फिल्म निर्माताओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यूरोप का सबसे बड़ा ऑटर याच का आयोजन मोनाको में किया जाता है। इनफोर्मा एक ब्रिटिश पब्लिशिंग कंपनी है, इनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। 4 दिन के इस आयोजन में 125 से भी ज़्यादा नौकाओं का प्रदर्शन किया जाता है। याच डिजाइनर, लग्जरी ब्रांड, ब्रोकरेज कंपनियां, लग्जरी वाहन कंपनियां इस आयोजन में भाग लेती है। देश का शाही परिवार आज भी एक ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि 13वीं सदी के राजा पहले रेनियर ने एक लड़की का अपहरण किया था। बदला लेने के लिए पीड़िता ने राजा के शाही परिवार को श्राप दिया था। ग्रिमाल्डी परिवार के किसी भी सदस्य को सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। अजीब तरह से ग्रिमाल्डी परिवार बड़े घोटालों में फंस गया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि श्राप सच हो गया। एक और अजीब बात आपको बताना चाहता हूँ, देश के मूल निवासी खुद के ही देश में अल्पसंख्यक है, दूसरे देश के अमीर लोग इस देश में सेटल हो गए। यहाँ का सबसे बड़ा समूह फ्रांसीसी नागरिक का है, जो कि 28% है, और मोनाको मूल निवासी 21% है। उसके बाद इटालियन 18% और ब्रिटिश 7% है।